हेलो फ्रेंड्स इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं उसमें से एक कैटेगरी होती है लार्ज एंड मिड कैप फंड्स लार्ज एंड मिड कैप फंड्स वो होते हैं जो मेजॉरिटी अपना पैसा लार्ज कैप और मिड कैप स्टॉक्स में लगाते हैं लार्ज कैप कंपनीज होती हैं टॉप की हंड्रेड कंपनीज एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन और मिड कैप कंपनीज होती हैं नेक्स्ट वन कंपनीज एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन तो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के एक फंड एस बी आई लार्ज एंड मिड कैप फंड का हम रिव्यू करने वाले हैं इस वीडियो में तो दोस्तों वीडियो इंटरेस्टिंग होगी एंड तक बने रहिएगा मेरा नाम पुनीत नागपाल है अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा फ्रेंड एसबीआई का लार्ज एंड मिड कैप फंड के बारे में हम बात कर रहे हैं अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आइडियल टाइम होराइजन मिनिमम फाइव सिक्स ईयर्स का आपके पास होना चाहिए ये फंड स्टार्ट हुआ था ट्वेंटी फिफ्थ 2005 टू थाउजेंड फाइव को यानी अप्रॉक्सीमेटली नाइनटीन ईयर्स इस फंड को कंप्लीट हो चुके हैं इनके फंड मैनेजर हैं सौरभ पंत एंड मोहित जैन जी इस फंड का एक्सपेंस रेशियो की बात करें रेगुलर प्लान की तो 1.67 परसेंट का है दोस्तों एक्सपेंस रेशियो से हमें पता लगता है कि कितना मैनेजमेंट फीस आपके फंड में से ली जाएगी दोस्तों मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट 5000 से इस फंड में कर सकते हैं एडिशनल कर सकते हैं 1000 से और एस कर सकते हैं मिनिमम 500 की मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है चलिए इसकी पास परफॉर्मेंस देख लेते हैं अगर किसी ने वन टाइम इन्वेस्ट किया है इसके रेगुलर प्लान के ग्रोथ ऑप्शन में तो कैसा रिटर्न मिला है अगर किसी ने वन लैक्स इन्वेस्ट किया है तो कितना वैल्यू बना है फंड में और कैटेगरी एवरेज में दोनों को हम कंपेयर करेंगे रिटर्न भी लास्ट वन ईयर में वन लाख ,00 का बन गया है वन लाख ट्वेंटी सेवन थाउजेंड रिटर्न आया ट्वेंटी सेवन पॉइंट सिक्स परसेंट का वहीं कैटेगरी एवरेज का रिटर्न है थर्टी परसेंट का लास्ट थ्री ईयर में इस फंड ने लाख ,00 का बना के दिया है ट्वेंटी टू परसेंट कैटेगरी एवरेज का रिटर्न है ट्वेंटी परसेंट तो देखिए लास्ट वन ईयर में तो कैटेगरी एवरेज की रिटर्न हल्की सी ज्यादा है इस फंड से लेकिन लास्ट थ्री ईयर में देखें तो इस फंड ने आउट परफॉर्म किया है कैटेगरी एवरेज को लास्ट फाइव ईयर्स का डेटा देख लेते हैं लाख अगर किसी ने पांच साल पहले इन्वेस्ट करे थे तो उसका बन गया है ,00, यानी सवा दो गुना से भी ज्यादा हो गया है 18 का रिटर्न आया है कैटेगरी एवरेज में एटीन पॉइंट टू परसेंट का रिटर्न है लास्ट टेन ईयर्स पहले का अगर डेटा देखें तो एक लाख रुपए का किसी ने इन्वेस्ट किया है तो उसका बन गया है पांच लाख बाईस हजार यानी पैसा पांच गुना से भी ज्यादा हो गया है सेवनटीन पॉइंट नाइन परसेंट का रिटर्न है

तो कितना अमाउंट है और क्या रिटर्न आया है लास्ट वन ईयर में अगर किसी ने वन थाउजेंड की एस आई पी करी है तो फोर्टीन थाउजेंड वन नाइनटी टू का अमाउंट बनाया और रिटर्न बनाए थर्टी फाइव परसेंट का टू ईयर्स पहले किसी ने एस आई पी स्टार्ट करी है तो अमाउंट बनाए थर्टी थाउजेंड फाइव हंड्रेड रिटर्न आया ट्वेंटी थ्री ईयर में अमाउंट बनाया फोर्टी नाइन थाउजेंड रिटर्न आया ट्वेंटी वन परसेंट फाइव में अमाउंट बनाए वन लाख सिक्स थाउजेंड और रिटर्न आया ट्वेंटी थ्री परसेंट टेन में अमाउंट बनाए टू लाख थ्री थाउजेंड और रिटर्न आया सेवनटीन परसेंट का दोस्तों गोइंग फॉरवर्ड आप मान के चलिए बारह तेरह परसेंट के रिटर्न ये आपको फंड दे देगा पिछला डेटा अगर हम देखें तो काफी पंद्रह सत्रह अठारह परसेंट के रिटर्न आ रहे हैं लेकिन जरूरी नहीं है आगे भी ऐसे ही रिटर्न आए इस बात का ध्यान रखिएगा चलिए इस फंड का पोर्टफोलियो देख लेते हैं लार्ज कैप स्टॉक्स में थर्टी का इन्वेस्टमेंट है यानी टॉप के हंड्रेड स्टॉक्स में नेक्स्ट 150 फिफ्टी कंपनीज यानी ट्वेंटी कंपनीज़ में 24.8 परसेंट का पोर्टफोलियो है और जो बाकी स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं फर्स्ट 250 के अलावा कंपनीज़ उसमें 14 परसेंट का एक्सपोजर है टोटल 81 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है टॉप के 10 स्टॉक्स में 28 परसेंट का एक्सपोजर है टॉप के थ्री सेक्टर्स में ट्वेंटी का एक्सपोजर है टॉप के फाइव स्टॉक्स देख लेते हैं एच डी एफ सी बैंक आईसीआईसीआई बैंक रिलायंस इंडस्ट्रीज एच डी एफ सी एसेट मैनेजमेंट कंपनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मिलाकर 17 परसेंट का एक्सपोजर है यानी टॉप के स्टॉक्स हैं ये काफी अच्छे स्टॉक्स में इस फंड ने इन्वेस्ट किया हुआ है चलिए अब देख लेते हैं इस फंड ने किस टाइप का रिस्क लिया गया है एज कम्पेरिजन टू इट्स कैटेगरी एवरेज सबसे पहले हम देखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन हमें बताता है कि फंड में कितनी वॉलिटाइलिटी होगी कितना रिस्क लिया गया है तो इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 12.85 है वहीं कैटेगरी एवरेज का 14.27 यानी कैटेगरी एवरेज के मुकाबले काफी लो वॉलिटलिटी इसमें है यानी कम रिस्क लेकर अच्छे रिटर्न्स ये फंड दे रहा है शाप रेशियो हमें बताता है दोस्तों कि रिस्क फ्री एसेट यानी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज जैसे होती है बॉन्ड्स होते हैं उनके मुकाबले एफ डी के मुकाबले कितना ज्यादा फंड रिटर्न दे रहा है तो जितना ज्यादा शार्प रेशियो उतना बढ़िया रहता है 1.19 इसका शार्प रेशियो है कैटेगरी एवरेज का अगेन इससे हमें यह पता लगता है कि बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न मिल रहे हैं मतलब जितना रिस्क लिया गया है उसके हिसाब से रिटर्न हमें अच्छे मिल रहे हैं एल्फा एल्फा हमें बताता है कि बेंच के मुकाबले कितना ज्यादा ये फंड रिटर्न दे रहा है मतलब जो भी फंड का बेंचमार्क है उसके मुकाबले ये फंड अच्छा कर रहा है या नहीं कर रहा है जितना ज्यादा एल्फा हो उतना बढ़िया रहता है 2.16 इसका अल्फा है और कैटेगरी एवरेज का है माइनस पॉइंट अगेन बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स हमें मिल रहे हैं तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने देखा कि एस के लार्ज एंड मिड कैप फंड ने काफी अच्छे रिटर्न तो दिए ही हैं और इस फंड में रिस्क भी कैटेगरी एवरेज के मुकाबले कम लिया गया है तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी अगर आपको कोई भी म्यूचुअल फंड रिलेटेड डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो थैंक यू फॉर वाचिंग